आज मैं आपके लिए लाई हूँ हरी मिर्च, कच्चे आम और प्याज से बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो आपके खाने के स्वाद को दो गुना कर देगी। इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। इसको आप स्टोर करके 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ये हरी मिर्च ली हैं। इनको मैंने अच्छे से धो के पूरी तरह से सुखा लिया है कपड़े से पोंछ के, और इनका जो डंठल है वो हमने अलग कर लिया है। मिर्च में मॉइस्चर बिल्कुल भी न रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो धो के इनको हम पहले से ही रख लेंगे जिससे मॉइस्चर निकल जाए। तो अब हम मिर्च लेंगे और इसको 2 पार्ट में हम इस तरह से लंबाई में कट कर लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इसके 4 पार्ट भी कर सकते हैं। अगर जो ज़्यादा बड़ी मिर्च है, आप देख सकते हैं कि मिर्च थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो इसको हम 4 पार्ट में कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी सारी मिर्चें कट करके तैयार कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इन मिर्चों में जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल भी न रहे। इनको आप धो के थोड़ा सा सुखा लें या अच्छे से कॉटन के कपड़े से इनको पोंछ लें जिससे इनका मॉइस्चर निकल जाए। साथ में लिए हैं यहाँ पर हमने 2 कच्चे आम। कच्चे आम भी हमने पहले धो के कपड़े से पोंछ के तब इनको छीला है, तो इनको भी अब हम पीसेज में कट कर लेंगे। इनका पल्प निकाल लेंगे और इसकी जो गुठली होगी उसको हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, गुठली को हम निकाल के साइड कर देते हैं और इसको भी हम लंबाई में पतले पीसेज में कट करेंगे। ये देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इनको पतले स्लाइसेस में इस तरह से कट कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम अपने दोनों आम कट कर लेंगे। बस आम में भी मॉइस्चर न रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारी जो ये रेसिपी बनेगी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी, गर्मियों में खाने के स्वाद को दो गुना कर देगी और झटपट से बन जाती है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में कि आम भी मैंने किस तरह से कट किए हैं। तो यहाँ पर हमने सारे आम ये कट करके तैयार कर लिए। ज़्यादा मोटे स्लाइस हमें इसके नहीं रखने हैं। साथ में यहाँ पर मैंने 4 से 5 ये प्याज ली हैं और प्याज को भी मैंने इस तरह से लंबाई में ही कट किया है। आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें लंबाई में ही कट की हैं। तो गैस पर रख दी है हमने एक कढ़ाई। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है, आप नॉन स्टिक ले सकते हैं। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसमें 1 बड़ा चम्मच के बराबर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 पिंच के लगभग हींग। साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरे को हम कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर 1 चम्मच ली है मैंने दरदरी कुटी हुई सौंफ। सौंफ का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही स्वाद को बढ़ा देता है, तो आप ज़रूर ऐड करें। 1/2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। अब हम इसमें एक एक करके तीनों चीज़ें डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने हरी मिर्च कट करके तैयार की हैं उनको। तीनों का जो अमाउंट है वो हमने बराबर लिया है, जितनी हमने प्याज ली है उतनी ही हरी मिर्च ली है। तो मसाले के साथ में पहले हम मिक्स कर लेते हैं जिससे कि मसाला जले नहीं। मिक्स कर लिया, ये देखिए अच्छे से। गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। अब साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो आम हमने काट के तैयार किए हैं उनको, मिक्स कर लेते हैं। पानी की इसमें हमें 1 बूंद भी नहीं डालनी है। अगर आपने इसमें 1 बूंद भी पानी डाल दिया तो आप इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से बिना पानी के इसको बनाएंगे तो आप इसको 4 से 5 दिन तक, 6 दिन तक आराम से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। ये देखिए, मसालों के साथ में हमने तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। और इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा मसालों का भी यूज़ नहीं होता है, नॉर्मल मसाले पड़ते हैं जो कि हर किचन में अवेलेबल होते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको बीच में इकट्ठा कर देंगे और अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको पलटते रहेंगे जिससे कि जो हमारे आम, मिर्च और प्याज हैं वो अच्छे से पक जाएँ। ये भाप से ही अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट के बाद मैं इसको पलट रही हूँ, ये देखिए मिक्स कर लिया अच्छे से। दोबारा से कवर कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो रेसिपी है ये बनके तैयार है। ये देखिए, चेक कर लेंगे कि तीनों चीज़ें हमारी अच्छे से पक गई हैं। पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको हम एक सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
तो हमारी जो ये रेसिपी है पूरी और पराठे के साथ, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने के स्वाद को दोगुना कर देती है। तो गर्मी का मौसम चल रहा है, कच्चे आम मार्केट में खूब मिल रहे हैं, तो कच्चे आम की इस रेसिपी को आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आप फ्रिज में स्टोर करके 5 से 6 दिन आराम से खा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल पर कौन सी और रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।